हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओमेगा एट मेरा में। पिछले क्लास में हमने स्टडी किया था ट्रिग्नोमेट्रिकल का जो आपका चैप्टर 8.1 था उसका सॉल्यूशन मैंने बेस्ट कंसेप्ट के साथ दिया था। अब हम स्टार्ट करने वाला है 8.2 का सॉल्यूशन। तो 8.2 का सॉल्यूशन देने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कंसेप्ट लेना पड़ेगा, यानी कि 8.2 में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पता करना है। तो वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा या आपको उसका मेथड जानना पड़ेगा कि उसका वैल्यू कैसे याद करें, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू आपका 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके साथ आपको 90 डिग्री और 0 डिग्री का वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको किसके मेथड से एलजेब्रिक मेथड से मैं आपको बताता हूँ कि कैसे उसका वैल्यू आप पता करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ 45 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैल्यू क्या होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि इसी तरह का वीडियो आपको नोटिफिकेशन रूप में आपके मोबाइल पर मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है 45 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ कितना है 90 डिग्री है और ये वाला जो है आपको 45 है और ये भी क्या है 45 है, ठीक है। तो लिखेंगे माना कि एबीसी एक और ए वाला साइड इस साइड क्या कहते हैं बराबर रहते हैं। माना कि एबीसी एक समद्विबाहु समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल बी बराबर 90 डिग्री तथा कोण ए और कोण सी बराबर 45 डिग्री है, ठीक है। यानी कि यहां पर एक ट्रायंगल है एबीसी ट्रायंगल है, इसमें एंगल बी पर क्या है 90 डिग्री है और यह एंगल 45 डिग्री होगा। एबी एंगल क्या होगा 45 डिग्री, क्यों, क्योंकि मैंने यहां पर मान लिया है कि यह साइड एबी साइड जो है बीसी साइड क्या है इक्वल है, यानी कि एबी जो साइड है और बीसी क्या है इक्वल है। हम मान लेते हैं एक्स, यानी एबी एक्स है तो एबी क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है। यानी कि एबी के बराबर क्या मैंने माना साइड को बीसी, माना एबी एक्स है तो बीसी भी क्या होगा एक्स होगा, इसलिए एसी क्या हो जाएगा एसी बराबर रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर रूट अंडर हो जाएगा टू एस स्क्वायर और टू एस स्क्वायर के स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा रूट टू एक्स आ जाएगा, यानी कि यह वैल्यू जो है आपका रूट टू एक्स हुआ, ठीक है। यह एसी जो साइड है वह क्या हुआ रूट टू एक्स हुआ। अब हमको पता करना है 45 यानी कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है 45 डिग्री का उसका वैल्यू क्या होगा इस वीडियो में बात करेंगे। तो हमको ये बताना है कि कैसे इसका वैल्यू पता होगा। चलिए अब यहां पर आपको दिया है 45 डिग्री, तो हम क्या करते हैं साइन 45 डिग्री। अब यहां पर देखिए दो 45 है, या इसको ले या इसको ले, किसी एक को आप ले सकते हैं। तो चलिए मैं क्या करता हूं इसको लेकर बना रहे हैं, इस 45 डिग्री को हम लेकर टच कर रहे हैं। तो ये आपका 45 डिग्री है, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया हाई हाइपोटेन्यूज। ए बी क्या है एक्स है और ये क्या है ए सी, ए सी क्या है रूट टू एक्स है, एक्स एक्स कट गया हो गया 1/√2 वैल्यू आया, ठीक है। साइन कॉस 45 कॉस 45 सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर, बेस क्या हो गया बीसी और हाइपोटेन्यूज एसी, तो बीसी भी क्या है एक्स है हाइपोटेन्यूज क्या है रूट टू, ये भी कट जाएगा 1/√2 आया, ठीक है।
ठीक उसी प्रकार साइन कॉस टैन टैन 45 डिग्री, ठीक है टैन इसको क्या माना एंगल माना तो सामने वाला क्या है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस क्या है बीसी, ए बी क्या है ए बी एक्स है और बीसी क्या है एक्स है, कट के कितना आ गया 1। अब होता है कॉट कॉट 455, तो कॉट 455 क्या आ जाएगा बीसी बाय ए बी आ जाएगा, अभी एक्स बाय एक्स कितना हो जाएगा 1। साइन का होता क्या होता है कोसेक 45, और कोसेक 45 क्या आ जाएगा ए सी बाय क्या आएगा आपका ए बी, यानी रूट 2 एक्स बाय एक्स कट हो जाएगा क्या आएगा रूट 2, ठीक है। उसी तरह आएगा सेक 45, सेक 45 क्या आ जाएगा ए सी बाय, ठीक है ए सी बाय क्या होगा बी सी, ए सी क्या है रूट 2 एक्स और बी सी क्या है आपका एक्स, ये भी कट किया कितना हो गया रूट 5, क्यों कॉस कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 और इसका अपोजिट, तो अपोजिट से ही पता लग जाएगा या इसकी वैल्यू से भी पता लग जाएगा। तो ये रहा आपका साइन 45 टेन 45 यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक का रेशियो में 45 डिग्री का वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो इस वैल्यू से इस ट्रिक से इसका आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू, का त्रिकोण मितीय माप, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू कैसे आता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं एक फिगर ड्रॉ करते हैं एबीसी, एबीसी एक ट्रिंगल बनाया, वो भी किस प्रकार का ट्रिंगल, किस प्रकार ट्रिंगल सम बाहु त्रिभुज, क्या बनाएंगे सम बाहु त्रिभुज, ऐसे लिखेंगे माना कि एबीसी एक क्या है समबाहु त्रिभुज है जिसमें एबी बराबर बीसी बराबर एसी बराबर एक्स, ठीक है एबी एक्स है एबी एक्स है एबी एक्स, ठीक है क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों साइड क्या होता है इक्वल होता है, इसलिए एबी बराबर एसी बराबर बीसी, एबी बराबर बीसी बराबर एसी इतना हो गया। अब हम देखते हैं अब इसको क्या करते हैं हम दो पार्ट से बांटते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक एंगल जो है 60 डिग्री होता है, कितना होता है 60 डिग्री, तो ए भी 60 हो गया, ए भी 60 हो गया और ए कितना हुआ आपका ए वाला 30 डिग्री, ठीक है ए 60 ए 60 ए 30 और ए भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है मिला ना दो 30। अब हमको क्या कर रहा है किसी एक ट्रायंगल में हम क्या करते हैं बात करेंगे, किसी एक ट्रायंगल में हम जाएंगे और उसको निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल ए बी डी में हम जाए तो यहाँ पर 30 डिग्री है यहाँ पर 60 डिग्री है, हमको ट्रायंगल ए बी डी में कोई ट्रायंगल में या तो इस ट्रायंगल में जाए या तो इस ट्रायंगल में किसी एक ट्रायंगल में निकाल लेते हैं। तो चलिए हम चलते हैं ट्रायंगल, इसलिए ट्रायंगल ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी डी में देखते हैं ए बी बराबर एक्स और बी डी बराबर, बी डी बराबर तो क्या हो जाएगा बी डी जो है आपका एक्स बाय टू होगा, तो ए डी बराबर वाई, ए डी बराबर वाई,
चूंकि यह परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है तो दो भाग में क्या करा, बटा। तो यहाँ पर ए डी या बी, यह यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या था, एक्स था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ, एक्स बाई टू हुआ। ठीक है, इसलिए ए डी हम निकालते हैं रूट अंडर एक्स के स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू का स्क्वायर, हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर, यहाँ पर हो जाएगा रूट ओवर फोर एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बाई फोर, यहाँ कितना हो जाएगा थ्री एस स्क्वायर बाई फोर रूट अंडर। ठीक है, कितना आया रूट अंडर थ्री एस स्क्वायर बाई कितना आया फोर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि कितना आ जाएगा रूट अंडर थ्री एक्स बाई टू, रूट अंडर रूट ओवर थ्री एक्स बाई कितना हुआ टू। ठीक है, तो ए वाला वैल्यू जो है आपका, ए वाला वैल्यू ए डी जो है, ये ए डी, ए डी कितना आया रूट थ्री एक्स बाई कितना आ गया टू आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए डी बराबर इतना, चलिए इसलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं 30 डिग्री का वैल्यू, किस चीज का वैल्यू 30 डिग्री का वैल्यू सबसे पहले क्या करते हैं पता करते हैं। तो ट्रायंगल ए बी डी में हम 30 पे चलते हैं तो इसको निकालते हैं, तो साइन 30, साइन 30। ठीक है, तो इसको जब हमने क्या किया, जब इसको एंगल बना, ये x BD क्या है x by 2 है, जब इसको एंगल मान तो सामने में क्या होगा परपेंडिकुलर, तो हो गया BD और हाइपोटेन्यूज क्या है AB है, तो BD क्या है x by 2 है, ये क्या है x है, ये कट गया कितना हुआ 1 by 2। ठीक है, cos 30, cos 30 चलते हैं कि सामने वाला क्या हो परपेंडिकुलर, अपोजिट एंगल, सामने वाला जो साइड होगा अपोजिट साइड होगा और क्या होगा परपेंडिकुलर, तो बेस क्या बनेगा, बेस आपका बनेगा ए डी, तो बेस क्या बनेगा ए डी बाय हाइपोटेन्यूज, तो कर्ण क्या हो गया ए डी, और ए डी, ए डी कितना है आपका रूट अंडर थ्री एक्स बाय टू बाय एक्स, एक्स एक्स कट गया हो गया रूट थ्री बाय टू। ठीक है, साइन कॉस टेन, टेन थर्टी, टेन थर्टी, तो 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और बेस क्या है आपका AD। ठीक है, तो BD कितना है, BD आपका है x by 2 और AD कितना आया था रूट अंडर 3 x by 2, तो ये x by 2 मल्टीपल 2 by 2x, x by 2 या फिर 2 बाई रूट अंडर थ्री एक्स, एक कट गया ये भी कट गया ये भी कट गया 1 बाई रूट 3। ठीक है, 1 बाई रूट 3 आ गया ना। ठीक इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं कोसेक का, सेक का और कॉट का आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं 60 डिग्री पर, साइन 60 डिग्री, कौन सा वैल्यू साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री में हम चलते हैं इसको एंगल मानते हैं। ठीक है, एंगल इसको मानेंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए डी और हाइपोटेन्यूज क्या होगा ए बी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ए डी में कितना आया था रूट अंडर थ्री एक्स बाई टू आया था और ए बी क्या है, ए बी आपका कितना है एक्स, ये कट गया कितना है रूट थ्री बाई टू cos 60, cos। तो हमने देखा कि 30 डिग्री का वैल्यू कैसे निकला, उसी तरह आप 60 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं ट्रायंगल ABD में चलते हैं, ABD में हमने क्या आया था कि ABD में A आया था, AB आपका कितना आया था, AB आपका आया था रूट अंडर 3 x / 2, तो हम sin 60 डिग्री का वैल्यू पता करते हैं।
तो 60 को हम क्या करते हैं, क्या करते हैं इसको एंगल मानते हैं, एक क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या है एबी। तो एडी कितना है, एडी आपका आया था रूट अंडर 3x/2 और एबी कितना है आपका एक्स, एक कट जाएगा आपका आगे रूट 3/2। उसी तरह कॉस 60 डिग्री का निकालते हैं तो इसको एंगल मानते हैं तो सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो गया बी डी और हाइपोटेन्यूज क्या हुआ एबी। कारण तो एडी क्या बी डी कितना है एक्स बाई टू, ये कितना है एक्स, ठीक है कट जाएगा आ जाएगा 1/2। उसी तरह टैन 60 डिग्री का पता करते हैं तो 60 डिग्री को पता करते हैं तो सामने वाला क्या हो गया लंब, ये हो गया आधार, तो हो गया लंब बटा आधार। लंब कितना है रूट अंडर 3x/2 और आधार कितना है x/2, एक्स से एक्स कट गया 2 से 2 कट गया बट ये कितना आपका रूट 3। इस तरह आप क्या कर सकते हैं 45 डिग्री 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू याद कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, ठीक है। तो अब बच गया आपको 90 डिग्री और 0 डिग्री का वैल्यू, तो आप बुक से देखकर 0 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू याद कर रहे हैं क्योंकि वह आपको उसका जो रेशियो है उसका जो वैल्यू पता करना है वह लिमिट चैप्टर से पता करना है, जो लिमिट चैप्टर आपके 10th लेवल नहीं है, इसलिए आप बुक से देखकर 0 डिग्री 90 डिग्री का वैल्यू याद कर रहे हैं, ठीक है। एक और भी ट्रिक बताते हैं तो वह ट्रिक जल्दी काम नहीं करता लेकिन उसको अपोजिट से आप पता कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं पता कर सकते हैं। चलिए मैं दिखा देता हूँ कैसे पता करेंगे। जैसे बहुत से ट्रिक बना हुआ है कि एक ट्रिक जैसे ऐसे यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर है 0 डिग्री, ठीक है यहाँ पर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, अब क्या है 90 डिग्री, ठीक है। अब हमने क्या किया 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, अब कोई वैल्यू जैसे साइन है कॉस है और क्या है टैन, साइन है कॉस है और क्या है टैन है, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि इस सबको क्या किया जाता है 1, 2, 3, 4 मानकर, 1, 2, 3, 4 मानकर इसका वैल्यू लिखा जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम मानते हैं 0/1 यह हो गया 4, यह हो गया आपका इसको माना हमने 0, इसको माना 1, इसको माना हमारा 2, इसको माना 3, इसको माना 4, यह हो गया 1/4, यह हो गया 2/4, यह हो गया 3/4, यह हो गया 4/4 और सबका रूट होगा, ठीक है रूट अंडर निकाल लेंगे, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा आपका 1/2, ये कितना आ जाएगा आपका 1/√2, ये कितना आ जाएगा √3/2, ये कितना आ जाएगा 1, ठीक है। साइन यानी कि साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं अपोजिट आते हैं, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं, तो कॉस को अगर पता करना है इसको अपोजिट आ जाएंगे, यह हो जाएगा 1, यह हो जाएगा 3/2, यह हो जाएगा 1/√2, यह हो जाएगा 1/2, यह क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इसका अपोजिट करेंगे तो आता क्या है साइन, साइन क्या डिग्री हो गया, इसके अपोजिट से लिखे जाएंगे तो कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान इतना, कॉस 45 का मान इतना, कॉस 60 का मान इतना और कॉस 90 डिग्री का मान इतना, ठीक है एक ट्रिक हो गया। अब आपको टेन टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस, ठीक है ये वैल्यू ये फॉर्मूला न्यू फॉर्मूला है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस क्या, साइन थीटा बटा कॉस क्या, तो टेन थीटा बराबर साइन और कॉस क्या करेंगे बटा कर देंगे, साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू क्या करेंगे, साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू क्या करेंगे बाय करेंगे, तो आपका टेन थीटा का वैल्यू पता हो जाएगा। एक ट्रिक से भी मेथड आपको आ सकता है लेकिन आपको ज्योमेट्रिकल रेशियो ज्योमेट्रिकल मेथड से भी आपको आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल
नेक्स्ट क्लास में 8.2 पे सॉल्यूशन के साथ। थैंक्स, बाय बाय टू वीडियो, बेस्ट लक।